गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम पौधे और उसके भागों के विषय में पढ़ेंगे। ये है हमारा एक छोटा सा पौधा। पौधे के कितने भाग होते हैं हमारा? पौधे के भाग होते हैं हमारे जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। फूल और फल ये हमारे पौधे के भाग होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जड़ पर। ये हमारा जड़ का मॉडल है और ये देखो छोटे छोटे रोए आपको हमने इसमें बना के दिखाए हैं। ये जो छोटे छोटे रोए होते हैं इनको हम कहते हैं मूल रोग। क्या कहते हैं? मूल रोग। ये देखो ये जी जड़ है हमारे पास में, इसमें भी आपको दिख रहा है छोटे छोटे रोए दिख रहे हैं। ये इन छोटे छोटे रोए को हम क्या कहते हैं? मूल रोग। जो जड़ का हमारा कार्य होता है, जड़ का काम होता है भूमि से खनिज लवणों और जल का अवशोषण करना। साथ ही ये पौधे को स्थिर रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? पौधे का जड़। और ये पौधे को जमीन के ऊपर स्थिर रखता है। ये हमारा जड़ हो गई। और जड़ का जो मेन कार्य होता है वो होता है खनिज लवणों और जल को अवशोषण करना। इसके बाद आते हैं हम तने पर। ये है हमारा तने का मॉडल। तने का काम होता है हमारा जड़ द्वारा अवशोषित खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों और पत्तियों तक पहुंचाना। साथ ही ये पौधे को सहारा प्रदान करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? जड़ के ऊपर। भूमि की जड़ पाई जाती है भूमि के नीचे। कहाँ पाई जाती है? भूमि के नीचे। और तना पाया जाता है हमारा भूमि के ऊपर। ये पौधे को सहारा भी देता है। इसके बाद आते हैं हम पत्तियों पर। ये होती है हमारी पत्तियां। ये हमारा पत्ती छोटी सी दिख रही है आपको, भूमि पत्ती का मॉडल बनाया है। ये हमारी पत्ती। पत्ती किस रंग की होती है? मुख्यतः पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। और हरा किस कारण होता है? ये क्लोरोफिल के कारण। पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियों का रंग हरा होता है। ये हमारी हरी पत्तियां हैं। पत्ती का काम होता है भोजन का निर्माण करना। कैसे करती है भोजन का निर्माण? ये हमारा सूर्य। सूर्य से मिलेगा हमारी सनलाइट यानी कि प्रकाश। सूर्य से प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करती है? ये जल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के भोजन का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में हमारी ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये जो ऑक्सीजन मुक्त होती है इसे हम पौधे लेते हैं। यानी कि पत्तियों का हमारा एक कार्य क्या हो गया? श्वसन भी हो गया। कार्य श्वसन भी करती हैं। साथ ही पत्तियां हमारी वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे या जो हमारी पौधे की जड़ होती है, जड़ कभी कभी अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती है। तो इस अतिरिक्त जल को ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकाल देती है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल हमारा जो जल होता है हमारा वो बाष्प बन के उड़ जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ये क्रिया हमारी पत्तियों द्वारा होती है। साथ ही ये पत्तियां हमारे भोजन का निर्माण करती हैं और इस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ये हमारी हो गई पत्तियां। पत्ती के बाद आते हैं फूल पर। ये हमारा इसके बाद आते हैं हम फूल पर। ये जो बाहर का भाग होता है कहलाता है हमारा बाह्यदल यानी सेपल्स। ये हरी हरी होती हैं, जो हरी पत्तियां आपको दिखाई दे रही है कहलाती हैं सेपल्स। फिर आते हैं हम पेटल्स पर यानी दल। ये है हमारा पेटल्स। ये हमारा फूल का आकर्षक भाग होता है। फिर ये जो लंबे लंबे धागे दिखाई दे रहे हैं साथ में कीपनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये होते हैं हमारे पुंकेसर। और पुंकेसर के पीछे पाए जाते हैं हमारे ये स्त्री केसर। ये होती है हमारे पूरे फूल की संरचना, जो कि हमारे पौधे का सबसे सुंदर और आकर्षक भाग होता है। फूल का जो काम होता है, फूल से ही क्या बनते हैं? हमारे फल बनते हैं। फूल से बनते हैं हमारे फल। फलों के अंदर पाए जाते हैं बीज। और फूल जो होते हैं पौधे की वंश वृद्धि के लिए, जो हमारे फूल होते हैं पौधे की वंश वृद्धि के लिए फल का और बीज का निर्माण करते हैं। फलों के अंदर हमारे पाए जाते हैं बीज। और अधिकतर जितने भी पौधे होते हैं वो बीज से ही बनते हैं। जैसे हमारे नींबू है, नींबू के अंदर बीज पाए जाते हैं।
और ये हमारा केला होता है, ये भी हमारे फूल से ही बनते हैं। केले के बड़े बड़े फूल आप लोगों ने देखे ही होंगे। इस प्रकार आज की सेशन में क्लास में हम लोगों ने सीखा पौधे के विभिन्न भागों के बारे में, साथ ही पौधे के अंदर होने वाली, पौधे की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में। इसके इस विषय में जो भी आपको समझ में नहीं आया है, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल के माध्यम से या अपना वॉइस मैसेज से जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आज हमने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सीखा और समझा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग उसको सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन रहता है वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू।